क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ आप ठीक ठीक तो है? हाँ विराट कहाँ है वो? कहाँ है विराट? बोलो भाग भाग गया, भाग गया विराट। ये क्या किया तुमने? हाँ मार डालेगा सबको, पागल हो गई हो तुम? वो कैसे भाग सकता? नहीं, नहीं, हेलो गोलवाड़ी पुलिस स्टेशन। ए पाटिल तेरे को भी यही वक्त मिला था है बात करने का? मेरा भाग गया कैसे? साहब साहब वो मैडम मैडम तो ठीक है ना? मेरा एक दिमाग खराब था जो उसको मैंने इजाजत दिया इसको मिलने का, अब वो तो मरेगी हम सबको भी मरवाएगी। देख पाटिल तुम कुछ जो करना कर, मारना मार रखना रख, मैं चला अपने गांव को समझा, बाहर में गए सब कुछ सब चाहे चाहे अपने सर पे डाल। हे भगवान बचा ले आज, हे भगवान। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही बंद पड़ने वाली है अधिकारी। क्या हुआ? मेरा सामना करने से क्यों डर रहे? 4 साल पहले तो बहुत बहादुरी दिखाई थी तुमने मुझ पर। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने देने के लिए तो आया हूं मैं, मुझे माफ कर दो। ठीक है जा, माफ किया। साहब सडन हार्ट फेलियर, वही जो औरों के साथ हुआ था। नहीं सर, को विराट ने मारा है। पाटिल जी कोई इंसान किसी इंसान का हार्ट फेल कैसे कर सकता है? इंसान नहीं है वो। तांत्रिक है वो, तांत्रिक, जादू शक्तियां हैं उसके पास, कुछ भी कर सकता है वो। मैडम मलाकाई वाटता कि जेल में रहकर भी गोलवाड़ी गेस्ट हाउस में सारा खून उसी ने किया है, और अब तो वो जेल से बाहर आ गया। मैडम अब क्या होएगा? कत्ल कौन कर रहा है ये तो आप पता कर लोगे, लेकिन ये कौन कर रहा है?
निशान गायब? हेलो, हाँ बोला अंसारी, काय गोलवाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर ये कौर माउथ? का पांच हो गया, वो भी उसी गेस्ट हाउस रोड पे। या कोई और? अगर इन सारे कत्लों की वजह विराट है तो फिर अधिकारी साहब के माथे पर वो नंबर का निशान क्यों नहीं? वो भूल गया होएगा मैडम। चला भाग मारे। सॉरी मैडम। उन पांच लोगों की मौत की वजह उन पांच लोगों का जन्म था 7 जुलाई। तुम दोनों एक काम करो, फौरन जाके मुझे इन दोनों की बर्थ डिटेल्स के साथ बाकी तीनों की भी बर्थ डिटेल्स आकर दो। चार साल पहले गोलवाड़ी गेस्ट हाउस में जो मौतें हुई उनका जन्मदिन 7 जुलाई है और ये दो बहनों का जन्म भी 7 जुलाई को हुआ। आइला मैडम, वो जो ड्राइवर गेस्ट हाउस के बाहर मर गया ना, वो उसका जन्मदिन भी 7 जुलाई था, उसका लाइसेंस देखिए। मतलब ये कि उन्हीं लोगों को मारता है जिनका जन्म 7 जुलाई को हुआ है। मेरा जन्म तो 20 मई को हुआ है। और बागमारे साहब आपका? वो मेरे जन्म का तारीख तो मेरे को याद नहीं, लेकिन हाँ जब मैं गांव में पैदा हुआ ना तो वर्षा ऋतु था। मतलब जुलाई के आसपास? ए कैसे नहीं कह बोला सर, तू मेरा मेरा मरने की दुआ करता है क्या तू? हाँ देखो मैडम हमें विराट को ढूंढना होगा। बागमारे जी मैडम, तुम्हें पता है 4 साल पहले पुलिस ने विराट को कहां से गिरफ्तार किया था? तुम वापस आ गए?
वापस तो मुझे आना ही था, तुमसे पुराना हिसाब जो चुकाना है। पर अब तुम्हारी ताकत वो नहीं रही विराट। आजमाना चाहते हो? हाँ। कैसे? कहीं तुम विराट बाहर आओ। विराट, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम अंदर हो। तमन्ना मैडम, या कोई नहीं है। Shut up. He's in. Virat, come out. Virat, come out. लगता है तुम मुझे मुझे बहुत चाहती हो तमन्ना। इसीलिए तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। हाथ ऊपर विराट, क्योंकि इस बार जब तक मुझे सारे कत्लों की कहानी नहीं पता चल जाती, मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगी। कम सिर इन द जीप। अरे पाटिल, कैसे हो तुम? माफी चाहता हूँ, कल रात फरार होते वक्त तुम्हें गुड बाय नहीं कह सका। पर देखो, तुम खुद आ गए अलविदा कहने। बचाओ! अधिकारी के द्वारा एक संदेशा भेजा था। विराट स्टॉप। मिला? विराट स्टॉप। 4 साल पहले तुम दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, उसे लौटाना चाहता हूँ। अलविदा पाटिल। अलविदा। मरे हुए को मारा नहीं जाता तमन्ना। मरा हुआ? 4 साल पहले उस काल कोठरी में घुट घुट कर जान से मार डाला था उन्होंने, अधिकारी और पाटिल ने। भूत? तब से उसी काल कोठरी में मेरी आत्मा एक जिंदा लाश बनकर कैद में है। अगर वो लोहे की बेड़ियां ना होती तो मैं कब का उन सलाखों के पार हो जाता, और तुमने उन बेड़ियों को खोलकर मुझे और मेरी आत्मा को आजाद कर दिया। यकीन नहीं हो रहा? बड़ा अजीब लग रहा है ना ये सब, पर जब से तुम गोलवाड़ी आई हो कौन सी आम बात हुई है तुम्हारे साथ, बताओ?
चली जाओ यहां से इंस्पेक्टर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से थोड़ा भी प्यार है तो चली जाओ इसी वक्त। मैं अपनी खोई हुई जिंदगी को ढूंढने का रास्ता निकालूंगा। मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं मैं। तब तक तुम या कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भाग मारे, गाड़ी वापस लो। क्या? विराट से अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे अरे अभी क्या, उस कैदी का इंटरव्यू लेंगे आप? अरे मार डालेंगे आपको। देखा नहीं पाटिल से आपको कैसे, और मेरे को तो मेरा जन्मदिन का तारीख भी याद नहीं, 7 जुलाई असली तौर। फिर क्या होएगा, मेरा पेंशन, मेरा रिटायरमेंट का फंड। चलो भाग मारे। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, गाड़ी रोको। देखिए मैडम। भाग मारे, गाड़ी रोको। देखिए मैडम, आजाद हुए। अब तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम मेरी मदद करो। विराट खाओ तुम। अंधेरे से डर लगता है? क्या वजह है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है चुटकी? वो कौन सी बात है जिसे तुमने किसी को बताया नहीं? तुम तो सब जानते हो ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने अतीत को दोहराकर तुम अपने डर का सामना कर पाओगी। 6 साल की थी ना तुम? तब मैं 6 साल की थी।